अक्षय कुमार और अजय देवगन बॉलीवुड के दो ऐसे सुपरस्टार जो एक्शन में तो सबके बाप है, साथ ही साथ ये कॉमेडी फिल्मों में भी सबको पीछे छोड़ देते हैं। अब अक्षय कुमार और अजय देवगन को बॉलीवुड में काम करते करते लगभग 30 साल हो चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ एक सालों से हमने देखा कि अजय देवगन और अक्षय कुमार के बीच की जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जब जब अजय देवगन की फिल्में आती है अक्षय कुमार अजय देवगन की फिल्मों को सपोर्ट करते हैं और अजय देवगन की फिल्मों के ट्रेलर ट्विटर पर शेयर करते रहते हैं। वहीं दूसरे तरफ अजय देवगन भी अक्षय कुमार की फिल्मों को फुल सपोर्ट करते हैं और उनकी फिल्मों के ट्रेलर भी अजय देवगन शेयर कर देते हैं। तो यहां पर जब से सूर्यवंशी में इन दोनों ने साथ में काम किया उसके बाद में अजय देवगन और अक्षय कुमार की दोस्ती काफी ज्यादा पक्की हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब इस दिवाली कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद अजय देवगन और अक्षय कुमार के बीच की जो दोस्ती है उसमें शायद कुछ एक खटास देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म राम सेतु जो कि आज से लगभग 1.5 साल पहले अनाउंस हुई थी और यह बता दिया गया था कि राम सेतु फिल्म दिवाली 2022 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब राम सेतु फिल्म का जो क्रेज है और जो बज है वो अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्में आ रही ना उन सभी फिल्मों से काफी ज्यादा है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अक्षय कुमार की राम सेतु फिल्म में ऐसा क्या नया देखने को मिलेगा जो कि अक्षय कुमार ने इससे पहले नहीं किया हो। तो यहां पर राम सेतु फिल्म जो 2 साल पहले यानी कि लगभग 1.5 साल पहले ही अनाउंस हो चुकी थी कि दीपावली पर रिलीज होगी, लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि दीपावली के मौके पर सिर्फ अक्षय कुमार की राम सेतु नहीं आएगी बल्कि इसके साथ में अजय देवगन की भी एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिस फिल्म का नाम है थैंक गॉड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म थैंक गॉड जिस फिल्म में हमें अजय देवगन के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और राकुल प्रीत सिंह भी नजर आएंगे, आज यह ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि थैंक गॉड फिल्म भी अब दीपावली के मौके पर रिलीज होगी। हालांकि दोस्तों यहां पर बहुत सारे अक्षय कुमार के फैंस अजय देवगन को ब्लेम करेंगे कि अक्षय कुमार ने पहले से ही अपनी राम सेतु दीपावली पे अनाउंस की थी तो अजय देवगन को क्या जरूरत है थैंक गॉड को दीपावली पर लाने की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात क्लियर बता दूं कि थैंक गॉड में अजय देवगन काम कर रहे हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर अजय देवगन नहीं है, फिल्म के प्रोड्यूसर है भूषण कुमार। तो अब थैंक गॉड फिल्म को कब रिलीज करना है यह सब कुछ फैसला करने का हक किसे है? भूषण कुमार को। तो अगर अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्मों का क्लेश हो रहा है तो इसमें अजय देवगन का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात दोस्तों यह भी अच्छी है कि थैंक गॉड और राम सेतु दोनों ही फिल्में अलग अलग जोनर की है, यानी कि राम सेतु एक तरह से सीरियस एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी, वही दूसरी तरफ थैंक गॉड एक फैमिली ड्रामा है जिसमें कॉमेडी देखने को मिलेगी। तो अगर दीपावली के मौके पर दो अलग अलग टाइप की फिल्में एक साथ आती है तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों फिल्मों को नुकसान होगा। थैंक गॉड की ऑडियंस काफी अलग है, वही राम सेतु की ऑडियंस काफी अलग है, तो दोनों ही फिल्में दीपावली के मौके पर आकर एक अच्छी खासी कमाई कर सकती है। हालांकि एंड ऑफ द डे जो भी फिल्म लोगों को ज्यादा पसंद आई वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन यह बात भी गौर करने वाली है कि दीपावली जैसे बड़े त्यौहार पर सिर्फ एक फिल्म रिलीज हो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु के साथ में अजय देवगन की थैंक गॉड नहीं आती तो हो सकता है कि और कोई फिल्म क्लेश कर जाती। तो यहां पर अजय देवगन और अक्षय कुमार आमने सामने आ रहे हैं यह मत सोचिए, आप ये सोचिए कि दीपावली के मौके पर अजय देवगन और अक्षय कुमार एक साथ आ रहे हैं पब्लिक के पास ताकि पब्लिक को जो फिल्म में इंटरेस्ट हो जिस तरह की फिल्म देखना चाहते हो उसी तरह की फिल्म वो सिनेमाघरों में देख पाए। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है अक्षय कुमार की राम सेतु और अजय देवगन की थैंक गॉड में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारेगी? कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद प्रणिपात।